बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, शादी होने में रुकावट या देरी, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नज़रबद है, कोई कहता है जादू टोना है, लेकिन आज मुमकिन तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और आज तक ना किसी किताब में, ना किसी TV चैनल में, ना किसी न्यूज़पेपर पे, ना ही किसी जंतरी या रिसाले में आपको ये सुनने को और देखने को मिली होगी कि आखिर शादी होने में रुकावट या देरी किस बात पे है। नाज़रीन, बच्चों की शादी ठीक उम्र में ना होना माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बन जाता है। शादी में देर होने की कई वजूहात होती हैं, जैसे आला तालीम हासिल करने की वजह से बच्चे शादी की जगह आला तालीम हासिल करने को अवलियत देते हैं। कुछ बच्चे अपना मुस्तकबिल करियर बनाने या अच्छी नौकरी या ऊंचा ओहदा हासिल अपने पैरों पर खड़े होने की वजह से इनकी शादियां बहुत देर से होती हैं, या लड़के लड़कियाँ अपनी मनपसंद बीवी, अपना मनपसंद शौहर की तलाश करते करते काफ़ी बड़ी उम्र में जाकर शादी करते हैं। ये शादी में देरी की आम वजह है जिसके ज़िम्मेदार वो अशख़ास ख़ुद होते हैं। इस वीडियो में शादी में रुकावट या देरी से मुराद ये है कि वालिदैन अपने लड़के लड़की की शादी सही उम्र पर करना चाहते हैं। कभी अच्छा लड़का नहीं मिलता, या इसका ख़ानदान अच्छा नहीं है, या इसको कारोबार या नौकरी से आमदनी काबिल कबूल नहीं है, या लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, या वालिदैन के पास शादी के ख़र्च के लिए रुपया नहीं है। इस तरह शादी मुख्तलिफ़ तरह की रुकावटें आने से वक्त पर नहीं हो पाती और बच्चों की उम्र 30-35 साल को पार कर जाती है। किसी बच्चे लड़के लड़की की शादी बंदिश या ताखीर से होने की वजह इसके जायचा पैदाइश में मुतलका कुआकब से किया जाता है। जिन वालिदैन के बच्चों की उम्र शादी के लायक हो गई है, इनकी रहाइश मकान के मशरकी शुमाली सिमत हिस्से में बने कमरों में लड़कों को रहाइश करानी चाहिए और शादी के काबिल लड़कियों को शुमाली मगरबी सिमत के हिस्से में बने कमरों में रहना चाहिए। शादी के काबिल उम्र के बच्चों को सर जनूब की तरफ और शुमाल की तरफ पैर करके सोना चाहिए और शादी के काबिल बच्चों के रहने के कमरे में काले रंग की चादर, पर्दा, मेज़पोश ना हो, और अगर कमरे की खिड़की, दरवाज़े या कमरे में काला रंग ना हो, और कमरे का एक से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। गैर शादीशुदा अशख़ास का कमरा अधूरा बना हुआ ना हो और कमरे में बीम भी मौजूद ना हो। गैर शादीशुदा अशख़ास के कमरों में दीवारों और दरवाज़ों पर गुलाबी, हल्का पीला, सफ़ेद, चमकीला रंग होना चाहिए। अगर शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो गैर शादीशुदा अशख़ास के कमरे के शुमाली मशरकी हिस्से में पानी का फवारा ज़रूर लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारे वालिदैन और वो बच्चे बच्चियां जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं और उनकी शादियों में रुकावट है, इन छोटी छोटी बातों से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।